हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कल किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। तो अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हमारा मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हुआ, और रीज़न अगर आप ढूंढेंगे तो आपको दूरबीन लेके इस ग्रह में तो नहीं मिलेगा, दूसरे ग्रह में मिल सकता है। और अगर आप रीज़न पूछेंगे कि क्या ट्रिगर्स हैं, तो ट्रिगर्स हमारे टीवी चैनल है महान, जो सुबह से बैठ जाते हैं, बस उनका एक ही है, दुनिया जाए भाड़ में, फंडामेंटल जाए भाड़ में, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा जब भी होता है तो एक समय ऐसा आता है जब फंडामेंटल सुधरते भी रहते हैं, मार्केट रुकता नहीं है और मार्केट सीधे सीधे स्लाइड होता रहता है। तो उस समय लोग फिर बोलते हैं यार रीज़न तो काम ही नहीं करते इस मार्केट में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए भी क्या रीज़न था। तो आप लोगों को घोड़े की तरह दौड़ाया जाता है रेस कोर्स में हर दिन, और आप लोग दौड़ते रहते हो। तो आज का जो रीज़न था वो कुछ नहीं था, लेकिन ओवरऑल हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक बाउंस आया, रिलीफ बाउंस आया। हाई से निफ्टी ने भी अच्छा खासा डिप दिया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, और जो क्लोजिंग थी वो भी एकदम हाई पे नहीं हुई, हाई से 50-60 पॉइंट नीचे हुई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट में, तो एक अगर आप ऑप्शन डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉल सेलिंग काफ़ी अग्रेसिव हो रही थी। पीसीआर आपका 0.9 के आसपास चल रहा है, ये दिखा रहा है कि अभी भी कन्विक्शन हाई साइड में नहीं है, बाउंस हो रहे हैं, लेकिन बाउंस में लोग कॉल सेल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का पैटर्न था आज पूरे दिन, तो माहौल को हम बहुत स्ट्रांग नहीं मानेंगे। और जब भी मार्केट उठता है उसके बाद अगर कॉल्स में पैसे नहीं बनते हैं, तो मेरे हिसाब से, मैंने यही चीज़ वीकेंड में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि अगर मार्केट में बाउंस आया और कॉल्स आपको बहुत ज़्यादा पैसा देते हुए ना दिखें, तो समझ जाना यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली रेंज बाउंड मार्केट रखेंगे। यही चीज़ मैंने कही थी कि मार्केट हाई पे नहीं रुकेगा। मैंने एक चीज़ कही थी अपने सुबह टेलीग्राम में कि मार्केट मे गिव अप फ्रॉम हाई। अब वो हाई आप बना लेने दीजिए, करिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनमें पेशेंस नहीं है, वो मैसेज करने का पर्पज़ ये था, हाई बना लेने दो, प्राइस एक्शन देख लो, उसके बाद देखोगे तो आप गिव अप करता हुआ दिखेगा। इस तरीके से को मैच करते हैं। और ऑप्शन में इस समय कॉल सेलिंग बेटर है, पुट बाइंग अच्छी नहीं है, कॉल सेलिंग करिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो भी 30,000 रुपए से एक लॉट का आप कर सकते हो, तो मतलब ऑप्शन सेलिंग करिए। पुट बाइंग हर चीज में, पुट बाइंग सस्ती है तो कर लेते हो, ये सही तरीका नहीं है, ये गैम्बलर वाला तरीका है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर बैंक निफ्टी के हम लेवल्स देखें, तो बैंक निफ्टी करीब करीब 800 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, जो अगला टारगेट भी हो सकता है। और एक गैप है जो 200 तक, 37,200 तक आपको फिल होता हुआ देख सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि अभी यूएस मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, और एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है जो कोई नहीं बताएगा आपको, टीवी में कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों चर्चा नहीं है? क्योंकि वो उनको सूट नहीं करती ना, उनको सूट नहीं करती, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयल, क्रूड ऑयल प्राइस, इंडिया में पूरा का पूरा इन्फ्लेशन लिंक्ड होता है क्रूड ऑयल प्राइस से, और क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो इस समय, आज के समय अगर देखेंगे, 81 के ऊपर जा चुका है क्रूड वर्ल्ड मार्केट में। पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस सभी हाई हैं। ये क्या करता है? इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। जब भी इन्फ्लेशन हाई होती है तो रेट हाइक मजबूरन करना पड़ता है आरबीआई को। आरबीआई जो, जब आरबीआई थी, एक नॉर्मली काम करती थी, अभी तो पता नहीं किधर है, लेकिन नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। तो करंटली अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है इन्फ्लेशन का हर चीज़ में, और कई कंपनीज़ के लिए इन्फ्लेशन फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इंटरेस्ट रेट को लो रखा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोरोइंग है, लोग लोन ले सके। कौन लोन लेता है आप बताओ? छोटे आदमी को लोन मिलता है क्या आज के समय में? वैसे भी इनसिक्योर्ड लोन मिलना टोटली बंद हो गए हैं, सिक्योर्ड लोन में भी इतनी झंझट है कि बड़ा मुश्किल है लोन मिलना, राइट? तो लोन जो है वो किसके बेनिफिट के लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। तो आम आदमी के लिए बेनिफिट क्या है? सिर्फ एक बेनिफिट, मतलब कष्ट क्या है? इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन इस समय बहुत हाई पे है। तो आरबीआई की पॉलिसी है, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये रेट हाइक कर सकते हैं, सरप्राइजिंग बहुत ज़्यादा चांस है। और रेट हाइक अभी नहीं भी किए तो अगले 2 महीने के अंदर इनको करना पड़ेगा, कम से कम 0.4 से 0.5, ये पक्की बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ऑयल प्राइसेस 81 पे हैं, अगर ये 90 क्रॉस हो गए तो पेट्रोल आपको 115 से 120 में मिलेगा, लिख लीजिए। और 115 में पेट्रोल अगर आपको मिल रहा है तो आप सोचते हैं सब कुछ ठीक है इकोनॉमी में, तो बहुत गलत सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत दिक्कत वाली बात है, उसको बताया नहीं जाएगा। टीवी में आजकल कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती। आप सुबह से खोल लीजिए टीवी तो आपको सिर्फ एक ही बटन दिखेगी, बी बी बी, बाय बाय बाय। बल्लेबाजी दिखते हैं, गेंदबाज तो दिखते नहीं, क्योंकि बल्लेबाज सूट्स देम, और बल्लेबाज के लिए उन्हें रखा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताता हूँ आपको कि अगर आप मार्केट को देखेंगे राइट नाउ, तो यूएस फ्यूचर जो है, यूएस फ्यूचर 340 पॉइंट आपका डाउ जोन्स है डाउन, नैसडैक आपका 326 पॉइंट डाउन है 2.5%। और जब हम गए थे शाम, जब हम क्लोजिंग हमारा मार्केट का हुआ था, तब यूएस फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था। अब इतने डाउन को हमने फैक्टर इन बिल्कुल नहीं किया, ऑयल को हमने बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं किया। ऑयल हमारे लिए एक पर्सनल, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीवी में आजकल चर्चा, मतलब एक और चीज़ है मेरा, अगर आप लोग कभी ट्विटर पे कोई महाशय हो जो कोल कोल आपको खिलवाते हो, तो उनको मैसेज करिएगा कि सर तो कभी फंडामेंटल बातें भी किया करो थोड़ी, जो सही बातें हैं। मतलब अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया जाए ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का मतलब ये है कि भाई जो भी चीज़ आप छोड़ोगे नीचे जाएगी, तो उसकी जगह बोलने लगे जो भी आप चीज़ छोड़ोगे वहीं पर रुक जाएगी। अगर आपको ग्रेविटी ऐसे सिखाने लगे तो आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा, आप सोचो।
आप कहाँ कहाँ जाओगे, विदेशों में जाके बड़ी बड़ी खोज कर पाओगे, कर पाओगे क्या? तो गलत नॉलेज ना दिया जाए, और टीवी वाले भर भर के गलत नॉलेज दे रहे हैं। उनका सिर्फ एक मुद्दा है प्राइस, जो भाव है उसको भगाना, फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल नहीं, कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ भाव को भगाने वाली बातें करना। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा समझिए, सीखिए, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूएस फ्यूचर तो अभी तक त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखा है, और अपनी जो करेंसी है आज बहुत वीक हो रही थी, लेकिन उसका कोई असर हमने देखा नहीं, लेकिन कल मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज़ों का असर दिखेगा, और ऑयल प्राइजेस सबसे बड़े यहाँ पे प्रॉब्लम की तरह निकल के आ सकते हैं। 81.6 चल रहा है डॉलर में, और ये 3 साल का सबसे हाई लेवल है तेल का। और जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, हमारे यहाँ लोकल ईल्ड्स बढ़ती हैं, ईल्ड्स बढ़ती हैं तो बैंकों में प्रेशर होता है, इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ता है, तो कुल मिला के बैंकों के लिए सबसे बड़ी निगेटिव न्यूज़ होती है आपके लिए क्रूड ऑयल प्राइजेस और ईल्ड्स। तो ये सब चीज़ें आप कल ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यूएस का जो विक्स है वो ऊपर जा रहा है, हमारा विक्स आज थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, लेकिन विक्स की हमेशा अगर आप ट्रेंड कभी भी देखेंगे तो विक्स सीधे ऊपर जाके सीधे वापस नीचे नहीं आता, एक डिप देता है, करेक्शन देता है, उसके बाद दोबारा से रिटेस्ट करता है हाई का लेवल। तो मुझे ऐसा लगता है कल का दिन काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जो अभी यूएस का मार्केट दिख रहा है उसको देख के। अभी डाउ जोन्स 420 पॉइंट डाउन है, नैसडैक 335 पॉइंट, मतलब 2.5% डाउन है, तो ये छोटा इंडेक्स नहीं है, हमारे मार्केट का 5 गुना सिर्फ ये इंडेक्स है, सिर्फ ये इंडेक्स हमारे पूरे मार्केट का 5 गुना है, कुछ स्टॉक मिला लीजिए तो। तो ये दिखाता है कि चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक सी हो रही हैं, तो प्लीज़ बी कॉशियस और थोड़ी सीखिए, और अपने चैनल से डिमांड, जो भी चैनल्स आप देखते हैं उनसे डिमांड करिए कि सर ऐसा होता है क्या, ऑयल प्राइस अगर उठेगा तो क्या मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हो, राइट? जिस दिन ऑयल प्राइस उठता है उसी दिन ये लोग पेंट स्टॉक को बाय करते हैं, करवाते हैं, क्यों? ठीक है, तो रीज़न सही बताओ। मेरा कहना है कि ज्ञान गलत दोगे तो ज़िंदगी भर लोग रोएंगे, राइट? तो ज्ञान सही दो। अब उससे उन लोगों का फ़ायदा नहीं होता इसलिए वो आपको गलत ज्ञान देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सही ज्ञान देना चाहिए। ओवरऑल मार्केट में सही ज्ञान लंबे समय तक कम आएगा, और ये जो फोर्जरी और फ्रॉडरी चल रही है मार्केट में, भगाओ प्राइस को, भगाओ प्राइस को, भगाओ, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये कुछ समय तक चला लेते हैं कुछ लोग, और जब इसका साइड इफ़ेक्ट निकलता है तो मार्केट ऐसा भागता है कि आप बोलते हो ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो छोटा आदमी बोलता है, नया आदमी बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और ये लोग मज़े ले रहे होते हैं, चुटकी और समोसे खा रहे होते हैं, तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ समझिए और मार्केट को थोड़ा उस हिसाब से ट्रेड करिए। ओवरऑल यूएस फ्यूचर ये सभी चीज़ें दिखा रही है। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करूँ मैं, तो निफ्टी में 700 के नीचे ही हमने क्लोजिंग दी है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में आप एक बार अगर 600 के नीचे आते हो, 600 के नीचे आते हो तो 500 का लेवल खुल जाता है, 450 का लेवल भी खुल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएस का जो असर है कुछ ज़्यादा खतरनाक हुआ तो हम नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा सकते हैं, तो थोड़ी सी इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी क्रूड ऑयल प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, और मार्केट इसको फैक्टर इन जिस दिन करने लगेगा तो आप देखेंगे 2 से 4 दिन ये रुकेगा ही नहीं, सिर्फ ऑयल को देखेगा और गिरता ही जाएगा। तो उससे पहले आप निकल जाएं, आप सेफ ट्रेड लें, आप अपनी जो भी पोर्टफोलियो है उसको हैज करें, अगर आपका पोर्टफोलियो गिरे तो कॉल सेल करके जाएं, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं अपना सकते हैं आप, ठीक है? तो कॉल सेल करके आप कुछ पैसे अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियोज़ को, और पुट भी बाय कर सकते हो अगर आप एग्रेसिव हो, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रीमियम, छोटा मोटा नहीं कि दूर का बाय कर लिया 50 रुपये 100 रुपये, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम बाय करेंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी प्रोटेक्ट रहेंगे, मैंने कह रहा डैमेज बहुत आपका कम रहेगा, मतलब मिनिमाइज कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज मुझे वीडियो ऐसे नहीं बनाना था सच, लेकिन मुझे कुछ बातें थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये मतलब पब्लिक का बना क्या रहे हैं, मतलब पब्लिक का काटते हैं ना, कैसे क्या कहते हैं उसको, तो मतलब पब्लिक का इतना बुरी तरीके से काटा जा रहा है, और मतलब पब्लिक भी खुश है क्योंकि आउटपुट वही है, भाव भाग रहा है तो मज़ा आ रहा है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो है उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो आप डर जाओगे, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा है। आप खुद सोचो ना, आपको बता दिया गया है कि मार्केट कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ऊपर जाता है, और जब ऑयल भागेगा, डॉलर भागेगा, कुछ और इशू होगा, ग्लोबल होगा, गिरता जाएगा, और आप 4-5 दिन परेशान होते जाओगे, बोलोगे यार हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया, वो दिन आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और फिर आप क्विट कर जाओगे। मैं नहीं चाहता आप लोग क्विट करो, इसलिए क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, समझाने वालों की गलती है, तो समझाने वालों को जाके बताओ कि भैया गलत चीज़ें मत सिखाओ, समझाओ, जो सही है वो बताओ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।